अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली इंतजार खत्म हो गया। जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको उसमें बताया था, जिन्होंने देखी उनको याद होगा, मैंने बताया था कि कल मैं वीडियो ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर बनाऊंगा और उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको वीजा फ्री कंट्री पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर कौन कौन से ममालिक हैं और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि वीजा ऑन अराइवल देते हैं। तो चले बिना वक्त जाया किए अपने टॉपिक पे आता हूँ। और सबसे पहले जो नए देखने वाले व्यूवर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। एक और बात, वीडियो को आपने पूरा देखना है। एंड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि स्टिकर वीजा जो है वो किस कौन से कंट्रीज के हैं, वो लेके आप लोगों को क्या फायदा होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चले जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा फ्री और एंट्री वाले ममालक की तादाद 32 थी। अब बैनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक ग्रीन पासपोर्ट अफगानिस्तान, इराक और शाम से ऊपर 108 नंबर पर चला गया है और ऐसे ममालिक की तादाद 31 हो गई है जहां वीजे लेकर जाने की जरूरत आपको नहीं है। इनमें 9 ममालिक ऐसे हैं जो के वीजा फ्री एंट्री देते हैं जबकि 22 ममालिक का वीजा ऑन अराइवल है, यानी के इनके एयरपोर्ट पर एंट्री वीजा दे दिया जाता है। नंबर 1 के ऊपर आता है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमेनिका। वीजा फ्री कंट्रीज में सबसे पहले डोमेनिका हैच को बगैर वीजे के 6 माह तक आपको स्टे की इजाजत देता है। कॉमनवेल्थ ऑफ डोमेनिका कैरेबियन जजायर में शामिल एक खूबसूरत मुल्क है जिसका रकबा 750 किलोमीटर और आबादी 75,000 और दारुल हुकूमत रोसो और सरकारी जुबान अंग्रेजी है। दुनिया भर से लोग इस जजीरे का रुख करते हैं। अच्छा, डोमेनिका आपको वीजा फ्री एंट्री तो देता ही देता है, उसके बाद ये पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप भी देता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप भी देता है। वो तुर्की के अंदर नहीं आप जा सकते, बाकी यूरोप शेंगेन के कुछ कंट्रीज हैं, यूके भी आप जा सकते हैं बगैर वीजे के, इसके डोमेनिका के पासपोर्ट के ऊपर, और भी काफी सारे कंट्री है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, ये पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मेरी ये लिस्ट में नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह कल या परसों इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगा मेरा कम्प्लीटली कि आप लोग कैसे वहां पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर है हैटी। इसके बाद हैटी है जहां बगैर वीजा 3 माह तक आप स्टे कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा जजीरा है, इसकी आबादी 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। ये भी पूरा साल ही टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज बना रहता है। नंबर 3 के ऊपर है मेरे पास माइक्रोनेशिया। इंडोनेशिया के करीब बहरकाल में जजायर पर मौजूद मुल्क माइक्रोनेशिया में भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 1 माह तक वीजा के बगैर आप रह सकते हैं। इसका दारुल हुकूमत पालीकर है और यहाँ देखने को बड़े बड़े साहल और कुदरती हुसन मौजूद है। बड़े बड़े समंदर हैं, साहिल हैं, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत झीलें हैं, कुदर और पहाड़ हैं और कुदरत ने बहुत खूबसूरत नजारे रखे हुए हैं वहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत सा कंट्री है, माइक्रोनेशिया इसका नाम है। उसके बाद है जी ट्रिनिडाड टोबैगो। पाकिस्तानी शहरियों के लिए चौथा वीजा फ्री कंट्री जमहूरिया ट्रिनिडाड टोबैगो है जो के बरे आजम अमेरिका में शामिल होता है। हयावर बहीरे कैरेबियन के जनूब में वेंसवेला से 11 किलोमीटर की दूरी पर वाकया है। इसका दारुल हुकूमत पोर्ट ऑफ स्पेन, सरकारी जुबान अंग्रेजी और कुल रकबा 5130 मुरबा किलोमीटर है। नंबर 5 के ऊपर है वानुआतो। ऑस्ट्रेलिया के शुमाल में जजायर पर मौजूद वानुआतो भी वीजा फ्री कंट्री है जहाँ शुरू में 1 माह रहने की आपको इजाजत मिलती है जो के काबिले तजदीद होती है। वानुआतो में भी साल भर टूरिस्ट की आमद का सिलसिला रहता है। नंबर 6 के ऊपर है सेंसन वेंटिनेंस। पाकिस्तानियों के लिए 6ठा फ्री मुल्क सेंसन वेंटिनेंस, ये भी बुनियादी तौर पर जजीरों पर मौजूद एक छोटा सा मुल्क है जो के बहीरा कैरेबियन में अमेरिका के करीब वाकया है। इसका कुल रकबा 399 मरबा किलोमीटर है और आबादी 1.25 लाख के लगभग है। इसका दारुल हुकूमत मशहूर शहर किंगस्टाउन है। ये मैं आपको वो कंट्री बता रहा हूँ जो कि बहुत ही माली तौर पर गरीब मुल्क हैं, बहुत ही इनका जो है वो छोटे छोटे ये कंट्री हैं, बहुत आबादी इनकी कम है और बहुत सारे लोग इन कंट्रीज का रुख करते हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे मैं आपको स्टिकर वीजा के अबाउट भी बताने वाला हूँ। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे। नंबर 7 के ऊपर है मॉन्स्ट्रेट। मॉन्स्ट्रेट 102 मरबा किलोमीटर पर मुहित एक छोटा सा जजीरा है जो कि बरतानिया का खुद मुख्तियार इलाका कहलाता है। इसकी आबादी सिर्फ 5,000 के लगभग है। यहाँ अंग्रेजी जुबान बोली जाती है। सियासी नुक्ता नजर से इसकी खासी अहमियत है, ये तमाम ममालक के शहरियों को वीजा फ्री एंट्री देता है। तो सारी गल है जेदा अपना 150 किलोमीटर रकबा उन्हें एंट्री फ्री देनी ताकि लोग वहां पर आए, आकर वहां पर कोई खर्चा वगैरह करें
उनकी इकोनॉमी में फायदा होगा। इकोनॉमी है ना दी बेचारे दी बल्कि की होनी निकाय या तो मुलक। नंबर 8 के ऊपर है न्यू। ये न्यूजीलैंड के शुमाल मशरक में वाकया जजीरा है जो कि टूरिस्ट को 30 डेज का बगैर वीजा स्टे की इजाजत देता है। यहाँ आप बरास्ता न्यूजीलैंड ही पहुंच सकते हैं। यहाँ से न्यूजीलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड से आगे न्यू एयरपोर्ट पर हर टूरिस्ट से $80 बतौर डिपार्चर टैक्स वसूल किया जाता है। नंबर 9 के ऊपर है कोक आइसलैंड। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 9वां वीजा फ्री मुमालिक कोक आइसलैंड है जो के 15 जजायर पर मौजूद न्यूजीलैंड का खुद मुख्तियार एरिया है। सियाहत के लिए आप 1 माह तक यहाँ बगैर वीजा स्टे कर सकते हैं। इसमें मजीद 30 रोज तक रहने की आपको इजाजत मिल जाती है। अच्छा, ये तो हो गए वो कंट्री जो वीजा फ्री आपको देते हैं। इनका स्टिकर वीजा नहीं होता, मैं पहले बता दूं, ये आपकी ट्रेवल हिस्ट्री के लिए कुछ दर्जे बेहतर है। जो असल जो आपकी ट्रेवल हिस्ट्री के लिए है वो मैं बताता हूँ। ये जो टूर के शौकीन लोग हैं वो जा सकते हैं, इनका रुख कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वैल्यू स्टिकर वीजा की ही होती है पासपोर्ट के ऊपर, वो इतने महंगे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अब बात करता हूँ वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज की। इन 22 ममालक का जो कि पाकिस्तानियों को अपने एयरपोर्ट पर एंट्री या वीजा ऑन अराइवल देते हैं, इनमें सबसे अहम मुल्क कतर है, जिसने कुछ ही साल पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले लोगों को वीजा ऑन अराइवल देने की सहूलत शुरू की है। अब पाकिस्तानी शहरी कतर के एयरपोर्ट पर ही वीजा दरखास्त देकर ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का वहां पर स्टे कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑन अराइवल वीजा देने वाले ममालिक की मुकम्मल लिस्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, नाम सुनिएगा। अगर मैं इनकी डिटेल में बात करने लग गया तो ए वीडियो नहीं फिर एपिसोड ही बढ़ना। नंबर 1 के ऊपर है कम्बोडिया, नंबर 2 के ऊपर है कैप वर्दे, नंबर 3 के ऊपर है कमोरस, नंबर 4 के ऊपर है जी गनी बिसाओ, नंबर 5 के ऊपर है कतर, नंबर 6 के ऊपर है मेडागास्कर, नंबर 7 के ऊपर है मालदीव, नंबर 8 के ऊपर है मोरतेनिया, नंबर 9 के ऊपर है नेपाल, नंबर 10 के ऊपर है मोसमुबैक, नंबर 11 के ऊपर है पिलाओ, नंबर 12 के ऊपर है रवांडा, नंबर 13 के ऊपर है सामवा, नंबर 14 के ऊपर है सेशल्स, नंबर 15 के ऊपर है सिनीगाल, नंबर 16 के ऊपर है तंजानिया, नंबर 17 के ऊपर है सोमालिया, नंबर 18 के ऊपर है टोगो, नंबर 19 के ऊपर है ईस्ट तैमूर, नंबर 20 के ऊपर है टुवालो, नंबर 21 के ऊपर है युगांडा, नंबर 22 के ऊपर है वियतनाम। देखिए, जो मैंने आपको ये अभी कंट्रीज बताए हैं इनमें से अफ्रीकन और कैरेबियन कंट्रीज की अक्सरियत ज्यादा है, जहां मौसी हालात पाकिस्तान से भी बुरे हैं, मगर वहां टूरिस्ट के लिए सस्ते मौके जरूर हैं। आप ब्लैंक या कोरे पासपोर्ट के ऊपर इन ममालक को विजिट करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री का आगाज कर सकते हैं। जाहिर बात है कि शुरू में फ्रेश पासपोर्ट पर किसी भी वीजे का लगना इतना आसान नहीं होता। जिन लोगों के पास बेहतर वसाइल हैं वो कतर, यूएई, तुर्की, थाईलैंड से भी ट्रैवल हिस्ट्री का आगाज कर सकते हैं, जिनके पास थोड़ा सा बजट है, क्योंकि वो कतर या यूएई के इनके स्टिकर वीजा मिल जाते हैं। थाईलैंड ये तो टूरिस्ट के अंदर भाई गुरु माना जाता है, थाईलैंड जो है नंबर 1 के ऊपर कतर आ जाता है, नंबर उसके बाद यूएई का कोई भी कंट्री कर ले, उसके बाद तुर्की का एक विजिट कर ले, उसके बाद थाईलैंड कर ले, और इसके बाद आप लोग अजरबैजान कर ले। अजरबैजान का भी आपको स्टिकर वीजा 15-16 हजार में मिल जाता है, इतनी ज्यादा फीसिस नहीं है, बहुत ही कम बजट के अंदर आपका जो है वो टूर प्लान हो जाएगा, और ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत बेस्ट है। ये आपके पासपोर्ट के लिए देसी घी है, इससे आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसके बाद आप किसी अच्छे कंट्री का वीजा अप्लाई करें और आपका वीजा ना लगे, मैं जिम्मेवार। हकीकत गल है, ये जो मैंने आपको 4 कंट्री बताए हैं ना स्टिकर वीजा, ये इन कंट्रीज का विजिट करके आ जाए आप, उसके बाद अप्लाई करें, ऐसे आपको मिलेगा। क्योंकि पता क्या होता है, कोई भी कंट्री आपको वीजा देने से पहले वो देखता है अगर आपके इन 4 कंट्रीज के स्टिकर वीजा लगे हुए हैं, ठीक हो गया, वो ये देखते हैं कि यार ये बंदा टूरिस्ट है और पक्का ठक्का टूरिस्ट है, ठीक है ना, तो वो आपको टूरिस्ट वीजा इश्यू कर देते हैं, ठीक हो गया। यूरोप, शेंगन, किसी भी कंट्री का आप अप्लाई करें वो आपको इश्यू कर देते हैं। वो कोरे जो आपका कोरा पासपोर्ट होता है, लाइक जो आपका बिल्कुल ही फ्रेश पासपोर्ट है जिसके ऊपर आपकी किसी कंट्री की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसकी निस्बत इसके ऊपर वीजा लगना बहुत ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी आपके पर मंथ के हिसाब से चलेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट वो ऐसे करते हैं कि वीजा अप्लाई के लिए उन्होंने जाना है तो 3 लाख रुपए सिटे अकाउंट के विच कढ़िया, फिर सिटे कढ़िया, फिर सिटे, इस तरह 10 मिलियन दी उन्होंने बनाई है, ठीक है,
ट्रैवल अपने बैंक स्टेटमेंट बना के तो वो ले जाते हैं, तो इससे वो रिजेक्शन लगा देते हैं। उनको पता चल जाता है भाईजान एक दिन के अंदर इन्नी ट्रांजैक्शन हुई, अगले दिन फिर इन्नी हुई, अगले दिन फिर इन्नी हुई, तो सानू फुद्दू बना रहे ने। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है? पर मंथ के हिसाब से 6 महीने वैलिड होनी चाहिए। पर मंथ 1,00,000 रुपया की ट्रांजेक्शन कर दें, अगर ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं 5,00,000 की कर दें, 6 महीने 5,00,000 की ट्रांजेक्शन करें। उस तो बाद तुहानू वीजा ना मिले, मैं जिम्मेवार, जो जुर्माना कहोगे मैं तुहानू पे करने वास्ते तैयार हाँ। ये तरीकेकार होते हैं बैंक स्टेटमेंट का, ये तरीकेकार होता है। वो फिर पर मंथ के हिसाब से देखते हैं जी, हर महीने 5,00,000 रुपया आंदा है तो इनू वीजा दियो, ठोक के दियो भाई, सब तो पहले इनू वीजा दियो, क्योंकि यह बंदा जाएगा जाके उत्थे कुछ ना कुछ खर्च करेगा। लेकिन वहां जाके आप कुछ खर्च करें ना करें, फिर आगे बड़े तरीकेकार हैं स्लिप होने के। स्लिप हो जाए अगर होना है तो, गए आप लीगल तरीके से, वहां जाके स्लिप हो जाए होने के बाद फिर वो बड़े एक अलग चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने टूरिस्ट को वर्क के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है वो भी सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। जिस भी कंट्री के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा उसी कंट्री के मैं सारी कैटेगरी के एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपने ये करना है, इसका आपने ये करना है, ठीक हो गया। बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आगे बहुत बहुत कुछ आने वाला है, असल चीज तो अब शुरू होने वाली है, ये तो ट्रैवल हिस्ट्री होगी आपकी, ठीक है ना, असल चीजें अब स्टार्ट होने वाली है। बाकी इजाजत दें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे, जितनी जितने हिसाब से लोग यहाँ पे आएंगे, मैं उतने हिसाब से डबल ट्विस्ट डाल के काम करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को एक बार फैलाएं, मुझे पता चले कि वाकई यार लोग इंटरेस्टेड है और सीरियस है जाने के लिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मैं आपको फखर से ये बात बोलता हूँ, और मैं 100% डंके की चोट के ऊपर ये बात बोलता हूँ। तो इंशाल्लाह बगैर किसी कंसल्टेंट, बगैर किसी एजेंट के आप लोग 2-3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह, अगर आप मेरे इसी चीज को देखते हैं, इसी सीरीज को देखते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग पाकिस्तान से किसी न किसी बाहर की कंट्री में बैठे आप लोग अपने भाई को दुआएं दे रहे होंगे, आप लोग अपने भाई को देख रहे होंगे। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहे, मोहब्बतें दिखाते रहे। कल वाली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया आपने, बहुत मेरी सोच से ज्यादा। तो बाकी मजीद ऐसे प्यार मोहब्बतें बांटते रहें। तो बाकी चल ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पिज़्ज़ा।